भदोही में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट में लगभग 500 से अधिक प्रधानों ने विशाल धरना प्रदर्शन में पहुंचकर शासन और जिला प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास कराया। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 10 बजे से ही भदोही जनपद के प्रधान कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रधानों को संगठन के जिला पदाधिकारी संबोधित कर रहे थे। लगभग 12 बजे प्रधान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल तथा प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव धरना स्थल पर पहुंच गए। एकत्रित प्रधानों ने नारेबाजी करते हुए एक सुर में अपनी बात रखी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ने अभिवादन स्वीकार कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। धरना स्थल पर 500 से अधिक प्रधानों की भीड़ देखकर गदगद हुए राम सेवक यादव ने सभी से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जिला स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रधान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल उपाध्याय ने प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में जांच के नाम पर प्रधानों का उत्पीड़न अगर तत्काल बंद नहीं किया जाता है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। गोपाल उपाध्याय ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम प्रधानों की आवाज दबाने के लिए हमारी फिर से जांच कराई जा रही है। मुझे जांच के नाम पर उच्च अधिकारियों द्वारा डराया जाता है तो भदोही जनपद के समस्त अधिकारी व प्रदेश सरकार ये कान खोलकर सुन ले कि जांच का भय दिखाकर प्रधानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास न करे, वरना शासन व जिला प्रशासन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 15 सूत्रीय मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानों को 30,000 रुपए वेतन और 10,000 रुपए पेंशन अगर सरकार नहीं देती है तो सभी प्रधान लखनऊ विधानसभा घेरने का काम करेंगे। प्रधानों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव ने प्रधानों की आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि प्रधानों के अधिकारों पर शासन डाका डालने का काम कर रहा है। राज्य वित्त और 14वें वित्त की जो भी राशि आई है साथ साथ इनके कार्यों में मनरेगा के तरह जोड़कर ग्राम सभा को विकास के काम करने से बंद करने की कूटनीति चली जा रही है। विशाल प्रदर्शन में आए प्रधानों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक और भदोही वाराणसी चंदौली के विधान परिषद सदस्य ब्रजेश सिंह के प्रतिनिधि रवि सिंह साजन ने कहा कि अगर प्रधानों का उत्पीड़न जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा तो सदन में ये मुद्दा उठेगा कि आखिर किसके इशारे पर प्रधानों को जिला प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। रवि सिंह साजन ने प्रधानों के वेतन और पेंशन के लिए होने सदन की कार्यवाही में उठाने की बात भी कही। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने उपस्थित प्रधानों का अभिवादन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव जी का जो भी निर्देश होगा तो भदोही के जनपद से सभी प्रधान साथी लखनऊ कूच करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जिला स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से संजय श्रीवास्तव, नेम मिश्रा, मुन्ना पांडे, रामधनी यादव, मेवालाल यादव, राम दुबे, नित्यानंद दुबे, संतोष यादव, सुशील त्रिपाठी, मधुकर मिश्रा, अजीत यादव उर्फ पप्पी, संजय पाठक, दुर्गेश सिंह, जगदम्बा पाल आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदर्शन करते हैं माननीय ब्रजेश सिंह के अपने प्रतिनिधि रवि सिंह साजन को हमेशा मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा जाते हैं उनके पास। ब्रजेश सिंह से हमारे जनपद के कई राजनीतिक लोग मिलने गए। उन्होंने कहा कि प्रधानों के आंदोलन को हवा मत दीजिए। ब्रजेश सिंह ने कहा कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही लड़ाई लड़ी है, हमने बहुत सारी कठिनाइयां झेली है, लेकिन जो प्रधान साथी मुझे आज इस जगह पे पहुंचाया है या मुझे सम्मान दिलाया है, अगर उसकी बात आएगी तो यहां नहीं सदन में अगर सामना बैठना पड़ेगा तो मुझे संकोच नहीं है। मैं बधाई देता हूं प्रिया सिंह जी को, मैं बधाई देता हूं रवि सिंह साजन जी को जो हर प्रधानों की लड़ाई के लिए हमेशा हम लोग साथ खड़े रहते हैं। मैं आप बताता हूं कि हमारे एक प्रधान साथी थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को किसी प्रतिनिधि को बुलाना नहीं चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ब्रजेश सिंह निर्दल विधान परिषद सदस्य है, वो किसी भी पार्टी के एमएलटी नहीं है। और इसके साथ साथ वो हमारे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, इसलिए आपके दर्द को सुनने आते हैं, इसलिए आपकी हर लड़ाई में साथ खड़े रहते हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग जिस ढंग से विशाल ताकत में आप लोग यहां ज्ञानपुर के मुख्यालय पाए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अतिशीघ्र होने वाले प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश की नींव हिलने वाली है।
और उस नियम में अगर जिला ये हमारे उत्तर प्रशासन और भारत सरकार के हमारे सत्तासीन पार्टी अगर उन्हें हम महसूस नहीं होता है, प्रधानों का दर्द महसूस नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे होने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका एक तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, साथी करता है। उसके बदले में क्या मिलता है? चंद लोग जो ग्राम सभा के हैं, जो राजनीतिक विरोध में आपसी गठबंधन करके जब चुनाव हार जाते हैं तो उस प्रधान के खिलाफ एकजुट होकर के फर्जी शिकायत करते हैं। और ये हमारे भ्रष्ट अधिकारी ये उन शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें बताते हैं कि प्रधान को कैसे परेशान किया जाए। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। अब तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी 19 बार जांच हो चुकी है, 18 बार मुझे ग्राम सभा में क्लीन चिट मिला, और जिस समय 18 बार मेरी जांच हो रही थी, रवि सिंह साजन है ये आए माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले, मुख्य विकास अधिकारी से मिले, और उन्होंने कहा कि प्रधान साथ अन्याय नहीं होगा। हमारे जिलाध्यक्ष जी थे, हमारी पूरी कमेटी थी, हमारे पूरे जिले के समस्त पदाधिकारी थे, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का आह्वान किया। चंदापुर के प्रधान में इनको बधाई देता है, उन्होंने उस समय कहा कि जांच चलाई थी, इन्होंने कहा प्रधान जी हमारी जांच चले ले, मैं प्रधानों की लड़ाई में साथ में खड़ा हूं।